फ्रेंच बीन्स पोरियन, जिसे हम फ्रेंच बीन्स फ्राई के नाम से भी जानते हैं, एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डिश है जो बहुत ही कम समय में कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का यूज कर बनाई जाती है। सो हे एवरीवन, आज मैं यही सिंपल सी फ्रेंच बीन्स पोरियन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मिनटों में बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले और इसमें डाले पानी। मैंने यहाँ 2 से 3 कप पानी लिया है। अब इसमें एक बॉईल आने दे और डाले 250 ग्राम फ्रेंच बीन्स, जिसे मैंने पहले से ही धोकर 1/4 इंच के पीसेस में कट कर लिया था। फ्रेंच बीन्स को छोटे साइज में ही कट करना है, बड़े साइज में कट करेंगे तो ये जल्दी कुक नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्टर फ्राइड डिश है तो इसलिए कट करने के टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखें। फ्रेंच बीन्स को 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ब्लांच कर ले। 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो अब इसे निकाल लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टीस्पून रिफाइंड तेल डालें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम पे रखें और डालें 1/2 टीस्पून सरसों के दाने और डालें साथ में 1/2 टीस्पून उड़द दाल और इसे अच्छे से चला लें। फिर डालें 2 सूखी हुई लाल मिर्च, जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है, और साथ में डालें 7 से 8 करी पत्ते और 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च और इन सबको अच्छे से सौटे कर लें। फिर इसमें डालें 250 ग्राम ब्लांच किए हुए फ्रेंच बीन्स या हरी बीन्स। 4 से 5 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सौटे कर लें। इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें सौटे करना है और फिर डालें स्वाद के अनुसार नमक और इसे चला लें। आप चाहे तो इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने हल्दी नहीं डाला है क्योंकि मुझे बीन्स और नारियल का एक्चुअल कलर ही अच्छा लगता है। 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बीन्स में जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो गया है और थोड़ा ऑयल भी नजर आ रहा है, तो इस टाइम डालेंगे 1/3 कप फ्रेश ग्रेटेड नारियल। इसे लो फ्लेम पर 0.5 से 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे फ्रेंच बीन्स के साथ। और ये लीजिए, बन गई फ्रेंच बीन्स पोरियल की टेस्टी रेसिपी। इस फ्रेंच बीन्स पोरियल की रेसिपी को आप अपने रेगुलर मील में साइड डिश में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये फ्रेंच बीन्स पोरियल की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे इस तरीके से इसे एक बार जरूर बनाएं और इन्जॉय करें, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।